भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच राहुल द्रविड़ के बाद कौन होगा, इस पर जल्द पर्दा उठ सकता है। मीडिया रिपोर्टों में यह दावा किया गया है कि हेड कोच के लिए सबसे आगे गौतम गंभीर का नाम चल रहा है। गंभीर ने इसके लिए आवेदन भी कर दिया है। बताया जा रहा है कि उनकी BCCI से डील हो चुकी है। गंभीर IPL 2024 की विजेता टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटर रहे हैं। रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया है कि अब गौतम गंभीर इस पद के बड़े दावेदार हैं। इस सप्ताह कोलकाता नाइट राइडर्स की तीसरी खिताबी जीत के बाद गंभीर हेड कोच पद के बेहतरीन दावेदार माने जा रहे हैं। गंभीर 2007 की T20 वर्ल्ड कप और 2011 के वर्ल्ड कप टीम के चैंपियन खिलाड़ी रहे हैं। वर्ल्ड कप के अंत में राहुल द्रविड़ हेड कोच की जिम्मेदारी छोड़ देंगे। रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि गंभीर ने अपने करीबी लोगों से कहा है कि वह इस पद को लेकर विचार कर रहे हैं। इस बात का अंदाजा कोलकाता टीम के सह मालिक शाहरुख खान को भी है। 27 मई को इस पद के लिए आवेदन भेजने का आखिरी दिन था, ऐसी संभावना है। उन्होंने इस भूमिका के लिए औपचारिक रूप से आवेदन कर दिया है, हालांकि अभी तक किसी भी ओर से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। एक IPL फ्रेंचाइजी के मालिक जो BCCI के टॉप लेवल के अधिकारियों के बहुत करीब हैं, उन्होंने बताया है कि गंभीर के हेड कोच बनाने को लेकर डील हो गई है, इसे लेकर घोषणा बाकी है। वही एक हाई प्रोफाइल TV कमेंटेटर जो BCCI में होने वाली गतिविधियों से भलीभांति परिचित हैं, उन्होंने भी कहा है कि गंभीर को हेड कोच बनाने के लिए कोशिश की जा रही है, हालांकि अब तक कोई घोषणा नहीं हुई है। रिपोर्टों में इस बात का भी दावा है हेड कोच पद के लिए BCCI सचिव जय शाह और गौतम गंभीर को लेकर बातचीत हुई है। इस बातचीत में दोनों के बीच देश के लिए करना है को केंद्रित कर बातचीत हुई है। भारतीय क्रिकेट टीम का जो भी हेड कोच बनेगा उसका कार्यकाल 3.5 साल का होगा, जो 1 जुलाई 2024 से 31 दिसंबर 2027 तक रहेगा। वही भारतीय क्रिकेट टीम का जो भी हेड कोच होगा उसके साथ 10 से 16 सदस्यों का स्पोर्ट्स स्टाफ भी रहेगा। क्या है भारतीय टीम का हेड कोच बनने की शर्तें, तो आइए जानते हैं। कम से कम 30 टेस्ट मैच या 50 वनडे मैच खेले हों, या फिर किसी फुल मेंबर टेस्ट प्लेइंग नेशन का हेड कोच न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के लिए रहा हो, या किसी एसोसिएट सदस्य IPL टीम या समकक्ष इंटरनेशनल लीग फर्स्ट क्लास टीम या नेशनल ए टीम का हेड कोच न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि के लिए रहा हो, या BCCI लेवल 3 सर्टिफिकेशन समकक्ष होना चाहिए, 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। अगर कोई भी भारतीय टीम का हेड कोच बनना चाहता है तो उनको इस शर्तों को पूरा करना होगा, भी हेड कोच बनने के लिए आवेदन कर सकता है। तो आप लोग भी कमेंट में बताएं, क्या गौतम गंभीर को हेड कोच बनना चाहिए या नहीं।